आइए आपको लेकर चलते हैं कानन पिंडारी जू। कानन पिंडारी जू छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में स्थित है। लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर मुंगेली रोड पर सकरी के पास स्थित है। आइए लेकर चलते हैं बिलासपुर स्थित सकरी के थोड़ा आगे एक जू जिसे हम कानन पिंडारी के नाम से जानते हैं। और आज रविवार का दिन है, रविवार के दिन यहाँ काफी संख्या में सैलानी आते हैं। आइए अंदर का कुछ नज़ारा आपके सामने। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो गाड़ी है ना, इनकी फैसिलिटी यहाँ पर हो ताकि और टूरिस्ट आए तो यहाँ थोड़ा इनकम और हो और ये इंजॉयमेंट कर सकेंगे। नहीं तो इनको हमें एक जगह कहीं पे बैठाना पड़ता है, फिर हमें उनके साथ रहना पड़ता है, तो हम इन जगहों को ठीक से देख नहीं पाते और हम इंजॉय नहीं कर पाते, तो ये चीज़ थोड़ी कमी होगी। Thank you.
70 से 80 के बीच के एक जवान जवान दिल इंसान से। सर आपका नाम क्या है? तान सिंह चंद्रवंशी जी। आप कहाँ से हैं? यही बिलासपुर से हूँ। बिलासपुर से लगता है आपके जवानी के दिन लौट आए। बता रहे हैं सर, वी आर एंजॉय एंड आई एम विद माय चाइल्डहुड। ओके। सर आप बिलासपुर से हैं तो आपका आना जाना यहाँ अक्सर? बिल्कुल लगा रहता है हम लोगों का। बिलासपुर से अभी 9-10 किलोमीटर के अंतर में मुंगेली रोड में स्थित है अपना पैरामिडाइज, और एकदम स्वर्गिक स्वर्गिक आनंदित जगह है ये। आप सुन रहे हैं, नाम बताएं सर? तान सिंह जी से, जिनकी एज लगभग 18 के आसपास नज़र आ रही है हमको, तो झूले पे बैठे हुए, और बड़ा ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बहुत सुंदर, अच्छा लगा, आप लोगों से मिलके भी अच्छा लगा, और आपने मतलब मुझे समय दिया, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपको। और ऐसे ही मतलब इस प्रकार से आप काम करते रहें, इससे लोगों को उत्साह और उत्साहवर्धन बढ़ते रहें। ये जिंदा दिल इंसान झूले पर अपने अपनी जवानी का मजा लेते हैं, माफ कीजिएगा सर, कुछ मिजाज इतना माहौल है कि शब्दों को मैं रोक ना लगा पाया। आप जैसे जिंदा दिल इंसान सलाम। खत्म हो जाती है तो उनको बड़ा दिक्कत होता है, तो इसकी मतलब फैसिलिटी मतलब होनी चाहिए। देखिए बात वहीं पर आकर के रुक जाती है, शहर के बीचों बीच एक अच्छा स्थल और ज़्यादा दुर्गम एरिया नहीं, जू कानंद कुमारी जू, यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं। कुछ बातें अच्छी लगी मुझे भी कि जो लोग पानी पीते हैं, बॉटल्स लेके आते हैं, पानी पाउच लेके आते हैं, गंदगी भी फैलाते हैं, मगर यहाँ पर इस प्रकार की किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। आइए मिलवाते हैं यहाँ के नन्हे सैलानियों से, जो कि तादाद में तो चार ही नजर आ रहे हैं, लेकिन उत्साह देखते ही बन रहा है। भैया क्या क्या कमी थी यहाँ पर? यहाँ पे सब अच्छा, सारा चीज अच्छा था। हाँ। आपको क्या क्या अच्छा लगा? मुझे सब कुछ अच्छा लगा, पर एक चीज़। क्या चीज? टाइगर खाने के कुछ नहीं। अरे तो लेके आना पड़ेगा इसे। आइए मिलाते हैं एक और सैलानी से, उनका एक्सपीरियंस जानते हैं यहाँ के, उन्हें कैसा लगा। और वो पूरी अपनी फैमिली के साथ में आए हैं, दिन रविवार का है, और काफ़ी हंसी में दिख रहे हैं जनाब, खुशी की क्या बात है? सबके साथ आए हैं और एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। कुछ दो चीज़ें ये बताइए जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। वाइट टाइगर एंड देन सेकेंड लाइन एशियन लायन। और दो गंदी चीज़ें बताइए जो जबी कमी महसूस हुई है। अभी तक तो सारे ही दिख गए। वैरायटी ऑफ एनिमल्स कम है। ये जा रहा है किसान के हाँ, ये एडवोकेट है, ये जो छोटा था सवाया समय लेकर के हैं, और अब इन्हीं के चक्कर में फिर आगे हूँ आज। आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा? देखो यार, माहौल शब्द जो है ये तो अपने ऊपर क्रिएट करते हैं। अच्छा, आप जिस तरह आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। हाँ, जिस तरह की आप थिंकिंग रखेंगे जी, क्या जी, जिस तरह की थिंकिंग रखेंगे, जिस तरह की आपकी सोच रहेगी, उस तरह आपका माहौल रहेगा। अब जैसे अंदर ही घुसते ही आ रहे हैं यार, कितनी भीड़ है, क्या
कितनी भीड़ है। लेकिन अगर वो सारी चीज़ों को अगर दो शब्दों में आपके मुंह से झुठलाना चाहे तो झुठलाने वाली सबसे अच्छी बात क्या है? झुठलाने वाली बात है ही कहाँ, जब इतने दूर से आ रहे हैं हम लोग भैया, है तो झुठलाने वाली बात।